नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। वैसे तो हर साल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है। जी हाँ, अभी साल 2022 के दो महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन दुनिया को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई बड़े तोहफे मिल चुके हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या साल 2022 विज्ञान और तकनीक के लिए वाकई एक बेंचमार्क बनाएगा। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप के बारे में। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप 24 जनवरी 2022 को पृथ्वी से 1 मिलियन मील दूर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप नाम का यह टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन मील यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर दूसरे लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 की कक्षा में है। यह पृथ्वी के अनुरूप सूर्य की परिक्रमा करेगा क्योंकि यह L2 की परिक्रमा करता है। हब्बल का उत्तराधिकारी कहा जाने वाला यह टेलीस्कोप उससे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की सुदूर गहराइयों को देखने में सक्षम होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स पर करीब 25 लाख रुपए के सोने की परत को चढ़ाया गया है। आप इस टेलीस्कोप की काबिलियत का पता इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसको चांद पर रख दिया जाए तो यह पृथ्वी पर उड़ रही एक मक्खी को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा। जी हाँ, इसे बनाने में करीब $9.7 बिलियन का खर्च आया है। अब बात कर लेते हैं ड्रोन से पहली बार डिफाइब्रिलेटर की डिलीवरी। जी हाँ, आपको बताते चले कि पहली बार स्वीडन में ड्रोन का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी के लिए हुआ है। स्वीडन में एक 71 वर्षीय बुजुर्ग की जान बचाने में ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को बर्फ में गिरते समय दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके बाद ड्रोन से डिफाइब्रिलेटर की डिलीवरी हुई जिससे व्यक्ति की जान बची। आपको बताते चलें कि डिफाइब्रिलेटर वही डिवाइस है जिसके जरिए कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी की। आपको बताते चलें कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। डेलावेयर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में हाइड्रोजन द्वारा संचालित विद्युत रासायनिक प्रणाली का उपयोग करके हवा से 99% कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का डेमो दिखाया है, जिसके बाद से इसकी चर्चा बड़े स्तर पर होने लगी। टेस्ला के चीफ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि वे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टेक्नोलॉजी की खोज करने वाले व्यक्ति को 720 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी क्या है। तो हम आपको बता दें कि वातावरण में फैले या फैलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की प्रक्रिया ही कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी है। फैक्ट्रियों और तमाम पावर प्लांट की चिमनियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके किसी अन्य जगह स्टोर किया जाएगा, जिससे वातावरण को बचाया जा सकेगा। और आइए बात करते हैं सबसे तेज डीएनए का अनुक्रमण बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। जी हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व वाली शोध टीम को सबसे तेज डीएनए अनुक्रमण तकनीक का सर्टिफिकेट दिया है। सबसे तेज डीएनए का अनुक्रमण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सिलरेटेड कंप्यूटर की मदद से किया गया है। यह रिकॉर्ड महज 5 घंटे और 2 मिनट में बना है। इस दौरान डॉक्टर्स ने एक रोगी से ब्लड लिया और उसी दिन एक अनुवांशिक डिसऑर्डर मरीज को ठीक किया। आमतौर पर डीएनए अनुक्रमण में 1 सप्ताह से भी अधिक का समय लग जाता है। यह शोध 12 मरीजों पर हुआ है, जिनमें से 5 मरीज कुछ ही घंटों में ठीक हुए हैं। अब बात करते हैं पहली बार एचआईवी से ठीक हुई महिला के बारे में। जी हाँ, अमेरिका में डॉक्टरों की एक टीम ने एचआईवी पीड़ित एक महिला को ठीक कर दिया है। यह पहला मौका है जब स्टेमलेस ट्रांसप्लांट के एक जरिए से किसी का इलाज हुआ और इलाज सफल भी हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेम सेल एक ऐसे व्यक्ति ने दान दिए थे जिसके अंदर पहले से ही एचआईवी वायरस के खिलाफ कुदरती प्रतिरोधक क्षमता थी। अब बात करते हैं स्टील से मजबूत और प्लास्टिक से हल्के पदार्थ की। आपको बता दें कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के केमिकल इंजीनियर्स की एक टीम ने एक नया मटेरियल तैयार किया है जो कि स्टील से भी ज्यादा मजबूत है और प्लास्टिक से भी हल्का है।
यह मटेरियल पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए बनाई गई है। इसका इस्तेमाल कार के पुर्जों, फोन, टिकाऊ कोटिंग या पुलों के निर्माण में क्रांति ला सकता है। इसका इस्तेमाल जंग की समस्या को ही जड़ से खत्म कर सकता है। तो आपको 2022 की इस सफलता को लेकर के, विज्ञान और तकनीक के इस मेलजोल को लेकर के क्या कहना है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।